मीडिया के कुछ लोगों का कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि मीडिया की भी अपनी जिम्मेदारी है। मीडिया लोगों की आवाज बनती है, मीडिया सशक्त विपक्ष की आवाज बन के उभरती है। हर बार हर दौर में विपक्ष की आवाज को मजबूत करने का काम मीडिया करती है और मीडिया चुनी हुई सरकार को आईना दिखाती है। लेकिन कुछ मीडिया के कुछ लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं और पत्रकारिता के नाम पर एक गोरख धंधा चल रहा है। मैं मीडिया पर टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि हम सब अपने अंतःकरण में जानते हैं कौन कितने पानी में है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन कल शाम को एक लाइव टीवी डिबेट पर बड़े दुर्भाग्यपूर्ण और अभद्र शब्दों का प्रयोग हुआ, तो मीडिया के कुछ लोगों को भी ये जवाब देना पड़ेगा कि क्या आप कुछ कठपुतली बनकर सरकार के एजेंडा को चलाने में अभी तक काम कर रहे थे, अब क्या आप सरकार की कठपुतली बनकर विपक्ष के नेताओं को गालियां दीजिएगा, अभद्र शब्दों का प्रयोग करिएगा और कांग्रेस पार्टी के इस मंच से कल जो लाइव टीवी के डिबेट पर हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, वो मीडिया पर धब्बा है और हम उसकी घोर निंदा भर्त्सना करते हैं, क्योंकि ये देश का इतना बड़ा मीडिया समूह है और ये इस कदर जहर उगल रहा है। और आज से नहीं, ये पहली बार नहीं है कि ऐसा कहा गया है, आज से नहीं, ये पहली बार नहीं है ऐसा कहा गया, ये सालों से कहते आ रहे हैं। ये जो विभाजन का काम, ये जो जहर घोलने का काम हो रहा है, ये अकेले नहीं है, मीडिया के और भी कुछ साथी हैं जो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं और जानबूझकर ये कर रहे हैं। दिक्कत की बात यह है कि 7 साल से जिसके हाथ में सरकार है, जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में एजेंसी है, जिसके हाथ में पावर है, उससे सवाल नहीं होगा। सवाल आज भी विपक्ष से होगा और हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप विपक्ष से और कड़े सवाल पूछिए, आप विपक्ष से जितने चाहिए सवाल पूछिए, क्योंकि हम सवालों से आनाकानी नहीं करेंगे, हम सवालों से भागेंगे नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल तो बदहाली पर, सवाल बेरोजगारी पर, सवाल महंगाई पर, सवाल महिला सुरक्षा पर, इन सब मुद्दों पर भी तो पूछना पड़ेगा। सवाल कौन से पूछे जाते हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से भक्त पढ़ के आते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से जो तथाकथित कुछ एंकर्स को, कुछ एडिटर्स को सवाल पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये महज संयोग नहीं है कि सारे ही डिबेट एक ही टॉपिक पर होते हैं। डिबेट तो हमने भी बड़े किए टीवी चैनल पर। कहीं पर मीडिया की अपनी साख, मीडिया की अपनी विश्वसनीयता पर जब ये सवाल उठता है तो जरूर मैं इस मंच के माध्यम से, चाहे वो एडिटर्स गिल्ड हो, चाहे वो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन हो जिसके अध्यक्ष रजत शर्मा जी हैं, मैं ये आह्वान करती हूँ कि आप जो शब्द कल बोले गए उसके बारे में क्या टिप्पणी करते हैं, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, आप इस पर कोई कार्यवाही करिएगा कि नहीं करिएगा। ये जहर कब तक निरंतर कुछ पत्रकार जो सरकार के नुमाइंदे बनकर पत्रकारिता का ढोंग करते हैं वो कब तक ये करते रहेंगे, जहर घोलने का काम, विभाजन का काम, सरकार के एजेंडा को चलाना, असली मुद्दों से ध्यान भटकाना, सही मुद्दों को ना उठाना, ये कब तक होता रहेगा और क्या इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। मैं फिर से एक बार अंत में बस इतना ही कहूंगी कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा प्रहरी कहा गया है। मैं मीडिया का बहुत सम्मान करती हूं, खुद मीडिया जगत से आई हूं और मुझे लगता है मीडिया की आज के वक्त में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार के नुमाइंदे बनकर जो पत्रकारों के भेष में घूम रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ कठपुतली है सरकार को अपनी एजेंडा चलवाने के लिए, सरकार अब इनके माध्यम से विपक्ष के साथ अभद्रता और गाली गलौज तक अब करवा रही है। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।